नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव के एक नए अपडेट को लेकर। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गांव में राजनीति तेज हो गई है। इधर चुनाव आयोग भी लगातार अपडेट जारी कर रहा है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच में ईवीएम खरीद को लेकर मामला पटना हाईकोर्ट में फंसा हुआ है। पंचायत चुनाव की तारीख जारी होने से पहले राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी सभी अपडेट जारी कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए नए अपडेट में बताया गया है कि बिहार में पंचायत चुनाव के बाद कंट्रोल यूनिट से कार्ड निकालकर ईवीएम को फ्री कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के तहत निर्णय लिया है कि मतगणना समाप्त होने के बाद कंट्रोल यूनिट को सील बंद नहीं किया जाएगा, उसे सुरक्षा व्यवस्था में नहीं रखा जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में मल्टी पोस्ट ईवीएम एसडीएमएम का उपयोग चुनाव में होने के कारण ऐसा नहीं किया जाएगा। इस ईवीएम में वोटों का रिकॉर्ड एसडीएमएम में सुरक्षित रहता है, जो कंट्रोल यूनिट से अलग हो सकता है। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार मतगणना की पूरी प्रक्रिया होने के बाद कंट्रोल यूनिट से अलग हो सकता है। आयोग ने यह भी कहा है कि मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंट्रोल यूनिट से एसडीएमएम को निकालकर ईवीएम को फ्री कर दिया जाएगा और एसडीएमएम को सुरक्षित रूप से जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारी की सुरक्षा में सील बंद कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार एसडीएमएम की सीलिंग निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आयोग द्वारा किए गए सीक्रेट सील की मदद से नियमानुसार किया जाएगा। सील किए गए एसडीएमएम को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारी को सुरक्षा में रखने के लिए सौंप दिया जाएगा। आयोग के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया के बाद कंट्रोल यूनिट को फ्री माना जाएगा तथा उनका उपयोग अन्य चुनाव के लिए किया जा सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए निर्देश के अनुसार चुनाव संचालन की देखरेख के लिए आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों को ऐसी शक्तियां प्रदान होगी कि वे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा से पूर्व किसी समय वोटों की गिनती रोकने अथवा परिणाम की घोषणा नहीं करने का निर्देश दे सकते हैं। वे तभी ऐसा निर्णय कर सकते हैं जब उनकी राय में बहुत से मतदान केंद्रों पर या मतगणना स्थलों पर बूथ का कब्जा किया गया है अथवा मशीन पीठासीन पदाधिकारी की सुरक्षा में अवैध रूप से ली गई हो या संजोगवश या जानबूझकर उन्हें बर्बाद या क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो या उनके साथ छेड़छाड़ की गई हो। आपको बता दें कि बिहार में यह पहली बार है जब ईवीएम से मतदान होगा और ईवीएम की मशीन खरीदने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच में पेच फंस गया है, जिसके बाद से यह मामला पटना हाईकोर्ट के पास चला गया है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में 5 अप्रैल को इसको लेकर सुनवाई होनी है। आपको यह भी बता दें कि बिहार निर्वाचन आयोग को ईवीएम की मशीन खरीदने के लिए निर्वाचन आयोग से एनओसी लेना था, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से एनओसी नहीं मिला और उसके बाद दोनों तरफ से पत्राचार हुआ, लेकिन इसके बाद भी कोई दोनों ओर से मामला नहीं बन पाया और यह पूरा मामला पटना हाईकोर्ट के पास पहुंच गया। लेकिन पटना हाईकोर्ट की शुरुआती सुनवाई में यह कहा गया कि दोनों आपस में मामला सुलझा लें, लेकिन यहां भी मामला नहीं सुलझा, जिसके बाद कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग से मामले पर लिखित में बयान मांगा है। अब इसकी सुनवाई होली के बाद 5 अप्रैल को होनी है। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों को इस दिन चुनाव के तारीखों का इंतजार है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।